हे गाइस, सबसे पहले इस ट्रेंडिंग वीडियो को देखो गाइस। तो इस टाइप का वीडियो पे अभी मिलियंस पे व्यू आ रहा है गाइस, किसी पे 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन तक व्यू आ जा रहा है गाइस। और इस टाइप का वीडियो बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे गाइस, तो इस नॉर्मल सा एक फोटो है गाइस, एक किसी बिल्डिंग का, किसी घर का या किसी स्टेशन का फोटो है, जिसे AI के मदद से रीजनरेट किया गया है गाइस। और बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है, हॉरर लग रहा है और एक हिस्टोरिकल प्लेस जैसा लग रहा है। तो इस टाइप का जो फोटो को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने फोन से AI के मदद से, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। कुछ ट्रिक्स है जिसको फॉलो करके आप आसानी तरीके से इस टाइप का वीडियो को कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो करते हैं लाइक करना, चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो देखो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है, जिसका नाम है फोटोलिप। ठीक है, ये प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और क्रोम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा नंबर कि आप मेरा टेलीग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करना, और ये AI जनरेटेड आपको बहुत सारे थीम देखने को मिलेगा ऊपर में ही। तो आपको इसमें करना चाहते हो तो कर सकते हो, हालांकि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोसेस कैसे करना है। यहाँ जो एडिट फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, कोई भी एक प्लेस को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लो कि मुझे ये वाली मंदिर वाला फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से AI फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर सीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बस इस सीन्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये जनरेट होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा वेट करना है, अगर आपका नेट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर आपका नेट फास्ट है तो तुरंत हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो, इस चेंज हो चुका है, पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। देखो गाइस, पहले ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया। उसी तरह से आपका यहाँ पर पांच पांच ऑप्शन मिलता है एक एक थीम पे, तो आप जाके जरूर से ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये वाला देखो गाइस, अब ये आउट ग्रो करके एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो फिर से कैसे चेंज होकर दिखाता है। देखो गाइस, तो ये नॉर्मली से ऐसा फ़ोटो था, अभी ऐसा हो गया। इस टाइप से बहुत सारे इसमें थीम है गाइस, आप यूज करके एक अलग अलग रूप दे सकते हो कोई भी फ़ोटोज का। और एक बहुत सारे फ़ोटोज को ऐसे जनरेट करने के बाद, देखो इसमें कैसे था, इसे कैसे हो गया, बहुत सारे फ़ोटो जनरेट करने के बाद आप एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दूसरा एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। इस फ़ोटो को बैक करता हूँ सबसे पहले। ओके, और यहाँ से जैसे मुझे ये वाले फ़ोटो लेना है। ओके, AI फिल्टर पे जाना है और सेम सीन वाले ऑप्शन पे जाना है, और जैसे मुझे यहाँ पर ये वाली फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लियर करना है, तो यहाँ पर फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ। ये स्कैनिंग हो रहा है, देख सकते हो, और स्कैनिंग होने के बाद कुछ इस टाइप का क्रिएट हो गया। जैसे कि अभी ऐसा था और ये लग रहा है पानी के अंदर में आ चुका है। और इसी टाइप से गाइस बहुत सारे इसमें अलग अलग फिल्टर, इसको आप यूज में ले सकते हो। जैसे कि मैं और एक बार दिखाता हूँ करके, देखो कुछ इस टाइप से था, ये पुराना घर कुछ इस टाइप से लग रहा है, और ये AI जनरेटेड कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो आप आसानी तरीके से इस टाइप से यहाँ से डन करना, और यहाँ से ऐसे करके सेव कर देना। तो देखो गाइस, आसानी से सेव हो गया। तो कुछ इस टाइप से आप जनरेट कर सकते हैं कोई भी फोटोज को इस टाइप से AI के मदद से एक हिस्टोरिकल प्लेस में, और बहुत ही आसानी तरह से व्यू साफ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया कि कैसे आपको क्रिएट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।